नमस्कार, आप देख रहे हैं सोमायरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज खान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही नरसिंहपुर से। जी हां, नरसिंहपुर के ब्राह्मण घाट पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब घाट पर नहाने आए दो नाबालिग बच्चे डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों को ढूंढने का काफी प्रयास किया। शाम होते होते एक बच्चे का शव मिला जबकि दूसरे की तलाश जारी है। घटना के अनुसार संदीप ठाकुर द्वारा नर्मदा जी में भंडारे का कार्यक्रम था। इसी के चलते अंकित अभिषेक और राहुल भंडारे में शामिल होने के उद्देश्य से नर्मदा घाट पर पहुंचे थे और नहाते समय गहरे पानी में चले गए। जब अंकित डूबने लगा तो अभिषेक ने उसे बचाने की कोशिश की, इसी के चलते वो भी डूब गया। तीसरा बच्चा राहुल बच गया। दोनों के डूबने की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से इन्हें ढूंढने का रेस्क्यू चलाया और शाम होते होते अभिषेक का शव मिल गया जबकि अंकित का शव ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पटेल जी, क्या हुआ, क्या मामला, ये कब पता लगा आप? सर हमको 4 बजे पता चला। सर काय का पता चला आपको 4 बजे? सर वो कहीं नर्मदा जी में डूब गए। कौन डूब गए? अब मतलब जैसे भतीजा बोला बंद कहीं वो डूब गए। हम तो मतलब जानकारी वहाँ से हुई पुराने कहीं वो अभी तुम्हारा मतलब ये घर से कब से कब के निकले थे? हम सर फैक्ट्री से 4 बजे निकले थे। सर नहीं, ये अब्बू लोग जो हैं आपके भतीजे हैं, निकले 3 बजे। सर 3 बजे बोल रहा था, 3 नहीं 2 बजे। घर में बता के आए ये लोग? किसके साथ आए थे ये तीनों? आए तीनों लड़के दोस्त बोल दोस्त बनते। क्या क्या नाम था उन लोगों? नाम का राहुल, राहुल और एक को का नाम अन्नू। अन्नू अन्नू राहुल। ये कितने कितने साल के थे? 2-3 साल के था। 12-13-15 साल के। क्या मामला सर? ये अन्नू और अंकित अभिषेक राहुल ये तीनों संदीप ठाकुर जो सरे भर के आ रहे थे, ये भंडारा करने जा रहे थे, ये करेली बस्ती के रहने वाले हैं। तो ये तीनों लड़के अपने स्कूटी वाहन से आ गए और नहाने लगे। तो नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए जिसमें से एक डूबा, तो उसको बचाने के लिए दूसरा अभिषेक गया और ये दोनों डूब गए। सर ये कितने वर्ष के हैं और ये कहाँ के रहने ये 14-15-16 साल के हैं, ये करेली बस्ती के रहने वाले हैं। किसके साथ आए थे ये तीनों? अकेले आए थे। क्या नाम है शराब का? थाना प्रभारी करेली, ML चौधरी। थैंक यू सर।